हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भृगुनंदी नाड़ी के 18th चार्ट के ऊपर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं नाड़ी ज्योतिष में प्लैनेट की स्ट्रेंथ पता करने का एक बहुत ही सरल सूत्र। बहुत सारे लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि उनको प्रोफेशनल प्रॉब्लम है या उनको किसी भी तरह की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, उसके रीज़न क्या होते हैं, जबकि प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा होता है या प्लैनेट पर बहुत अच्छी एस्पेक्ट्स होती हैं, फिर भी सूत्र क्या है। सबसे पहले हम उसी पर चर्चा करते हैं। सूत्र है, जब भी किसी ग्रह के लगातार कई भावों में आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो, तो उस ग्रह पर कितनी भी अच्छी ग्रहों की दृष्टि क्यों ना हो, उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमजोर रहती है। जैसे कि आप इस चार्ट में देखें, शनि यहाँ मेष राशि में बैठा है, नीच है राहु के साथ बैठा है, मगर शनि के पिछले पाँच भाव खाली हैं, पाँच छः भाव खाली हैं, यानी कि वृश्चिक राशि से मीन राशि के बीच में कोई ग्रह नहीं है। दूसरा, तुला राशि से सिंह राशि तक कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शनि को अगर आप देखेंगे तो शनि की स्थिति बहुत कमजोर होगी। आप इस तरह से समझ लीजिएगा, आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ दो तीन फ्रेंड्स हैं, या रास्ते में आपको कहीं स्टॉपेज मिलते रहे और वहाँ कभी आपको स्टॉपेज पर कहीं कैंटीन मिल गई, वहाँ आपने खाना खा लिया, कहीं आपको प्याऊ मिल गया, आपने पानी पी लिया, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आप थकान को उतना ज़्यादा महसूस नहीं करते। और अगर आप ऐसे निर्जन स्थान पर चल रहे हैं जहाँ ना तो कहीं बैठने की जगह है, ना कोई उठने की जगह है, ना कोई रास्ते में आपको ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसको आप देखकर मुस्कुरा भी सके, तो ऐसी स्थिति में आपकी कंडीशन क्या होगी। भले ही आपके ऊपर कितनी अच्छी एस्पेक्ट्स हो, यानी कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हो, आप कितनी अच्छी फैमिली से क्यों ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आकर आप बहुत अच्छा फील कर ही नहीं सकते। सेम प्रॉब्लम यहाँ सैटर्न के साथ है, शनि के साथ है। शनि जहाँ बैठा है, एक तो वो उसका नीच घर, पीछे से बेचारा थका हुआ आ रहा था, इतनी बड़ी जर्नी वो तय करके आया, यहाँ तुला राशि के बाद उसको कोई मिला नहीं, इतनी बड़ी जर्नी वो तय करके आया, थका हुआ वैसे ही था, उसके बाद उसको अपना नीच घर मिल गया, और नीच घर में भी कौन मिल गया, उसको राहु मिल गया। उसके बाद उसने देखा आगे कि तीन चार घरों में भी कोई नहीं है, तो ऐसे में ग्रह तो क्या, अगर कोई इंसान भी होगा उसकी भी हालत पतली हो जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ शनि की है, और जब भी आप देखेंगे शनि इस कंडीशन में किसी व्यक्ति का पाया जाएगा तो उस व्यक्ति को प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगे। कम से कम शुरुआत के 30 साल 32 साल वो व्यक्ति प्रोग्रेस कर ही नहीं पाता। एक और सूत्र मैं आपको देता हूं, जब भी शनि राहु के साथ बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को स्टार्टिंग के 30-32 साल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। क्यों कैसे वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहां श्री राव साहब लिखते हैं, इन दिस केस देयर आर नो प्लैनेट इन द एडजोइनिंग हाउस टू द हाउस ऑक्यूपाइड बाय सैटर्न, हेंस द नेटिव विल हैव नो स्पेसिफिक सेटलमेंट इन द लाइफ एंड विल चेंज हिज प्रोफेशन फ्रीक्वेंटली, ही विल बी ग्रेटली इन डेप्थ्स। यानी कि शनि के दोबारा कोई ग्रह नहीं है, इसलिए जातक का प्रोफेशनल जातक प्रोफेशनल सेट नहीं हो पाएगा और भारी कर्जे में होगा। रीजन क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, शनि यहाँ नीच बैठा है, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, शनि आपके प्रोफेशन का कारक है, और जब भी प्रोफेशन इंडिकेटर प्लैनेट इस हालत में मिलेगा तो वो उस तरह की कंडीशन होगी। सिंपल सा सूत्र है, शनि अगर बैठा है इस स्थिति में तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, गुरु अगर स्थिति में बैठा है तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, मंगल इस तरह की स्थिति में बैठा है तो आपकी बॉडी कमजोर होगी। तो ये बहुत ही ईजी नाड़ी के सूत्र हैं इस तरह के, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ईजी हो जाएगी।